आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सीएसवी फाइल्स, जिसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। सीएसवी फाइल जो है वो फाइल का एक फॉर्मेट है। जैसे हमारी फाइल्स हम .txt से सेव कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल जो होती है, और जो वर्ड की फाइल होती है उसको डॉट हम .doc से सेव करते हैं, एक्सेल की फाइल को .xls से सेव करते हैं। इसी तरीके से मेरी जो सीएसवी फाइल्स हैं उसको .csv से हम सेव करते हैं, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। तो जो सीएसवी फाइल्स है ना, ये हम नॉर्मल जो नोटपैड की फाइल होती है उस पे भी हम बना के .csv से इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका एक्सेल होता है, एक्सेल एक्सेल के अंदर भी आप डेटा एंट्री करने के बाद टेबल की फॉर्मेट में पूरा उसको आप .csv से सेव कर सकते हो। तो उस तरीके की फाइल से हम कैसे डेटा को रिट्रीव करेंगे और कैसे उसको यूज करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं आज के टॉपिक में, जिसका नाम है सीएसवी फाइल हैंडलिंग। ठीक है, इसमें वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बोली है। सीएसवी को सीएसवी इसलिए बोलते हैं, इसका नाम ही है कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। इसके अंदर जो डेटा होता है ना, वो एक डेटा और दूसरा डेटा दोनों में जो सेपरेशन होता है, जो अलग अलग जो हम देखते हैं उसको, तो उनके बीच में कॉमा होता है, इसलिए इसको सीएसवी फाइल्स बोलते हैं, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। दो डेटा के बीच में कॉमा होता है जिससे हम दोनों को अलग अलग देख सकते हैं कि ये मेरा पहला डेटा है, ये मेरा दूसरा डेटा है। ठीक है, ओके। तो सीएसवी फाइल्स को पे कोई भी ऑपरेशन करने के लिए हमें सीएसवी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, या यूं कहिए कि सीएसवी लाइब्रेरी फाइल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर। आपको याद होगा कि जब हमने बाइनरी फाइल्स का टॉपिक देखा था तो बाइनरी फाइल्स पे ऑपरेशन करने के लिए हमें पिकल नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ा था अपने प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे सीएसवी फाइल्स के अंदर कोई भी ऑपरेशन करने के लिए मुझे सीएसवी नाम की एक लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, उसी के बाद मैं उसके ऑपरेशंस को यूज कर सकता हूं। तो सीएसवी फाइल्स में राइटिंग हो चाहे रीडिंग हो, तो ये दोनों काम करने के लिए मुझे सीएसवी नाम के फाइल को, लाइब्रेरी फाइल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी जैसे हमें कोई भी ऑपरेशन करना है सीएसवी फाइल के ऊपर, तो उसको हमें ओपन करना पड़ेगा, जैसे कि हमने अभी तक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स के ऊपर ऑपरेशन किए थे। ऑपरेशन करने के लिए मैंने फाइल को ओपन किया था, है ना। ओपन करने के बाद फाइल का पॉइंटर एक वेरिएबल में सेव हो गया था जिसको हमने आगे यूज किया था रीडिंग या राइटिंग के लिए। इसके अंदर भी सेम काम है कि ओपन नाम का एक फंक्शन है जो फाइल को ओपन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो। ओके, तो आप फाइल से डेटा रीड कैसे कर सकते हो, उसके कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे। ये वही स्टेप्स हैं जो हम अभी तक फॉलो कर रहे थे कि मुझे सबसे पहले सीएसवी नाम की जो मॉड्यूल है, या यू कहिए लाइब्रेरी फाइल है, उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। फिर हमें सीएसवी वाली जो फाइल है उसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने पे क्या होगा कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंटर है वो एक वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे जो भी ऑपरेशन करना है रीडिंग या राइटिंग का वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो ये सेम वही स्टेप्स हैं जो अभी तक हम फाइल हैंडलिंग के ऊपर, चाहे टेक्स्ट फाइल हो चाहे बाइनरी फाइल हो, उसके अंदर भी इसी तरीके के स्टेप्स हमने फॉलो किए थे। ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा कि डेटा लिखा हुआ है 1, अमित, 6000, ऐसे ही 2, सुरेश कुमार, 8000, और 3, गब्बर, 75000। तो ये डेटा है, इसमें आपको दिख रहा है कि एक डेटा दूसरे डेटा से कॉमा से हमने सेपरेट किया हुआ है, उनके बीच में कॉमाज हैं। ठीक है, तो इस डेटा को हम लोग रीड कैसे करेंगे वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा इम्पोर्ट सीएसवी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि सीएसवी फाइल को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने इसको इंपोर्ट किया सीएसवी। इसके बाद आप देखिए फाइल को ओपन करने के लिए हमने यूज किया है विद ऑपरेशन। आपको याद होगा हमने स्टडी किया था विद ऑपरेशन, मैंने आपको बताया था कि आपकी मर्जी है आप विद ऑपरेशन से फाइल को ओपन करो या नॉर्मली जो हम करते हैं वैसे ही करो, ये टोटली आपके ऊपर है। और मैंने आपको बोला था कि अभी तक जैसे हम फाइल को ओपन कर रहे हैं वैसे ही करो, अलग से विद यूज करने की जरूरत नहीं है। बस विद का बेनिफिट ये होता है कि हमें लास्ट में फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ता। हम नॉर्मली जैसे फाइल को ओपन करते हैं ना, जैसे मैंने लिखा सीएसवी फाइल इक्वल टू ओपन,
और फिर ब्रैकेट में माई फाइल डॉट सी एस वी। ये नॉर्मल मेरा तरीका था, लेकिन मेरा सारा ऑपरेशन खत्म होने के बाद, चाहे रीड ऑपरेशन हो चाहे राइट ऑपरेशन हो, खत्म होने के बाद मुझे लास्ट में फाइल को क्लोज करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे यूज कर रहा हूं कि विद ऑपरेशन अगर मैं साथ में यूज कर रहा हूं, तो विद के साथ अगर आप फाइल ओपन करोगे तो आपको लास्ट में फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देगा। ये बेनिफिट होता है विद ऑपरेशन का, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, तो यहां पे विद लिखा हुआ है तो आपको विद से समझा देता हूं। इसमें लिखा हुआ विद ओपन ब्रैकेट में माई फाइल डॉट सी एस वी एज सी एस वी फाइल, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमें आता है कि सी एस वी फाइल इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में माई फाइल डॉट सी एस वी। ओके, इसमें एक चीज और देखिए कि इसके अंदर ये मोड नहीं लिखा है कि फाइल को किस मोड में हम ओपन करेंगे। आपको पता है कि अगर मैं फाइल ओपनिंग के टाइम पे कोई भी मोड स्पेसिफाई नहीं करता हूं तो उस केस में बाय डिफॉल्ट मेरा रीड मोड में ओपन होगा, ठीक है। तो या तो आप यहां कॉमा लगा के आर लिख दीजिए रीड मोड, वरना नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल रीड मोड में ओपन होगी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने फाइल को ओपन तो कर लिया, इसके बाद मैंने लिखा है My reader, एक मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसका नाम है My reader। तो csv dot reader, csv फाइल उस लाइब्रेरी फाइल का नाम है जिसको मैंने इंपोर्ट किया था अभी अपने प्रोग्राम के अंदर, डॉट रीडर। तो रीडर वो फंक्शन है जो हमारी हेल्प करेगा फाइल के अंदर से डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। फाइल के अंदर से डेटा को रीड करने के लिए रीडर जो ऑपरेशन है वो हमारी हेल्प करेगा। तो रीडर ऑपरेशन को यूज करने के लिए मुझे साथ में सीएसवी लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रीडर ऑपरेशन सीएसवी नाम की फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। तो मैं लिखा सीएसवी डॉट रीडर, कॉमा में लिखा, कॉमा में यहां पे दो इनपुट जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला इनपुट जाएगा कि मुझे कहां से रीड करना है, ठीक है, रीड मुझे कहां से करना है। तो आपको पता है कि जब फाइल ओपन हुई थी उसका पॉइंटर हमने सेव किया था csv फाइल के नाम के एक वेरिएबल के अंदर, तो पॉइंटर उसके अंदर है तो ऑब्वियसली वही हमें, वो पॉइंटर ही हमें बताया कि कहां से रीड करना शुरू करना है मुझे। इसलिए मैंने पहले इनपुट में लिखा है csv फाइल, फिर लगाया कॉमा, कॉमा के बाद मुझे दूसरा इनपुट देना होता है, मुझे ये बताना है कि आपकी जो वैल्यूज है, जो दो डेटा है वो किस तरीके से सेपरेट किए हुए आपने, ठीक है, कि दो डेटा को सेपरेट करने के लिए आपने क्या यूज किया है। तो हम यहां पे सीएसवी फाइल से हमारी, तो हम यहां पे कॉमा ही यूज करेंगे, तो इसलिए मैं लिखा है डिलिमिटर इक्वल टू कोट्स के अंदर कॉमा, ठीक है। डिलिमिटर जो है वो हमें बताना होता है कि दो डेटा को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिलिमिटर। तो डिलिमिटर इक्वल टू मैंने लिखा है कॉमा कोट्स के अंदर, तो मतलब हम कॉमा यूज कर रहे हैं। तो ये दो इनपुट हो गए हमारे, पहला इनपुट क्या कि कहां से रीड करना शुरू करना है, दूसरा इनपुट कि दो डेटा को सेपरेट करने के लिए क्या यूज कर रहे हो, तो हम कॉमा यूज कर रहे हैं। तो हमने यहां पे बता दिया डिलिमिटर इक्वल टू कॉमा, ठीक है। तो हमारी फाइल रीड हो गई है पूरी, राइट। अब देखिए एक चीज देखिए आप कि इसके अंदर जब रीड होगा डेटा तो वो लिस्ट की फॉर्म में होता है, क्योंकि आपको यहां पे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा ना डेटा 1, Amit, 6000। जैसे ये पहली रो है मेरी, इसके अंदर तीन डेटा है मेरे, तो जब ये मेरे मैं इसको रीड करूंगा तो ये मेरा वन जो है ये एक डेटा है, अमित दूसरा है डेटा, 6000 तीसरा है डेटा। तो ये क्या होंगे मेरे, ये मेरे लिस्ट के अंदर सेव हो जाएंगे, कि लिस्ट की फर्स्ट पोजिशन पे वन आ जाएगा, सेकंड पे अमित आ जाएगा, फिर 6000 आ जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हम रीड कैसे करेंगे फाइनली वो इसी चीज पे डिपेंड करता है, कि आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट के अंदर डेटा पोजीशंस पे स्टोर होता है, और किसी पोजीशन से डेटा हमें निकालना हो तो हम उस पोजीशन की का वो लिखते हैं, नंबर लिखते हैं कि वो पोजीशन का नंबर क्या है, वो हम नीचे देखेंगे इसी एग्जाम्पल के अंदर। तो इसमें क्या लिखा गया है, अब प्रिंट स्टेटमेंट है।
अब देखो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आपको थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया गया है जो भी इसके अंदर लिखा है। फॉर्मेटिंग क्या होती है कि आपका आउटपुट किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अगर आपको नॉर्मली आउटपुट दिखाना है तो ये सारी फॉर्मेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना इसने, ये पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका आउटपुट इसी फॉर्मेट में आए, जैसे ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि 1, Amit, 6000, ठीक है, कॉमा तो हट जाएगा। आप चाहते हो कि ऐसे आए कि अमित 1, Amit, 6000, तो आप ये जो पहली स्टेटमेंट है प्रिंट वाली, इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें क्या किया गया है, मैं आपको एक बार आउटपुट दिखा देता हूं। तो ये आउटपुट देखिए एक बार, जो ब्लू के अंदर दिख रहा है ना आपको, ये आउटपुट है इसका कि ऊपर ईएमपी नंबर लिखा हुआ है, फिर काफी सारा स्पेस देके ईएमपी लिखा हुआ है, ईएमपी नेम लिखा हुआ है, फिर स्पेस देके सैलरी लिखी हुई है, फिर नीचे दो लाइंस बनी हुई है पैरेलल में, फिर अगेन स्पेस का सारा खेल है। तो ये प्रॉपर क्या है, हमें एक टेबल की फॉर्म में दिख रहा है। तो ऐसा आउटपुट दिखाने के लिए ये ना जो पहली प्रिंट स्टेटमेंट है ये यूज की गई है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है वो आपको बता देता हूं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रिंट कॉमास के अंदर है परसेंटेज 10s, परसेंट 10s, इसका मतलब है कि 10 स्पेसेस, ठीक है। तो जैसे आउटपुट प्रिंट होगा तो सबसे पहले रन होगा परसेंट 10s, इसका मतलब है 10 स्पेसेस, ठीक है, इसका मतलब है 10 स्पेसेस। तो सबसे पहले ऊपर 10 स्पेस आ जाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है परसेंट ईएमपी नंबर, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा ईएमपी नंबर लिखा हुआ, तो ये मेरा पहला हो जाएगा। फिर कॉमा लगा के फिर लिखा है परसेंट 20s, फिर 20 स्पेसेस आ जाएंगे। तो आप देखिए कि ईएमपी नंबर और ईएमपी नेम जो है उसके अंदर स्पेस काफी सारा है, तो ये 20 स्पेसेस हैं। ऐसे ही तीसरे वाले में कॉमा लगा लिखा है परसेंट 10s, इसका मतलब फिर से 10 स्पेस है, ठीक है। तो ये परसेंट 10s, परसेंट 20s ये स्पेसेस के लिए है कि आपको 10 स्पेस देने, 20 स्पेस देने हैं, ठीक है। ये मैं फिर बता रहा हूं कि फॉर्मेटिंग टोटली आपके ऊपर है कि आपको फॉर्मेटिंग ऐसी करनी है, इतने स्पेस देने या नहीं देने, ठीक है। इसके बाद नीचे वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये तो कुछ नहीं है, डबल कोट्स के अंदर सिर्फ हमने दो लाइनें सी खींच दी है, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने कीबोर्ड से टाइप करके, ठीक है, वो हमने किया है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू टाइप हम करते रहे, तो इस तरीके का मेरा बन जाएगा। फिर मैंने क्या किया है, मैंने फोर लूप यूज किया है। अब देखो जब मैंने डेटा रीड किया था csv.reader के थ्रू, जो डेटा है मेरा वो माई रीडर के अंदर स्टोर हो गया था। माई रीडर नाम का वेरिएबल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, माई रीडर इक्वल टू csv.reader लिखा हुआ है ना हमने, तो डेटा रीड होके माई रीडर के अंदर आ गया था, सारा डेटा स्टोर हो गया था, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, मैं फोर लूप रन कर रहा हूं। फोर लूप में मैंने एक वेरिएबल लिखा है जिसका नाम है रो। रो एक ना एक वेरिएबल है, इसकी जगह ए ले लो बी ले लो वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैंने वेरिएबल लिखा है रो इन माई रीडर। आपको पता है कि इस तरीके के फोर लूप कैसे वर्क करते हैं, ये तब तक चलता रहेगा जब तक माई रीडर के अंदर सारी वैल्यूज खत्म ना हो जाए। और ये कैसे रन होता है कि पहली वैल्यू उठ के माई रीडर से आएगी रो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये फोर लूप रन होगा तो माई रीडर के अंदर क्या होगा कि देखो जो मेरा डेटा था ना वो तीन अलग अलग रोज में था। ऊपर आपको दिख रहा होगा कि पहली रो में क्या है लिखा हुआ है, अमित 1, Amit, 6000, सेकंड में 2, Suresh Kumar, 8000, तीसरे में 3, Gabbar, 75000। तो जब मेरा पहली बार फोर लूप रन होगा ना तो वो जो पूरी रो का जो डेटा है, पहली वाली रो का डेटा, वो पूरा का पूरा रो नाम की वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि लिस्ट के अंदर जब डेटा आता है तो मेरे पास, आप ऐसा समझ लीजिए कि रो नाम की एक लिस्ट है जिसके अंदर तीन जो डेटा है वो पड़ा हुआ है। पहला डेटा है 1, दूसरा है अमित, तीसरा है 6000। आपको पता है कि इसके अंदर जो मेरे इसको अगर मुझे एक्सेस करना है लिस्ट की वैल्यूज को, तो मैं उसकी लोकेशन से एक्सेस करूंगा। आपको पता है कि जो पहली वैल्यू स्टोर होती है वो लोकेशन 0 पे स्टोर होती है, दूसरी जो होती है वो लोकेशन 1 पे होती है, तीसरी जो होती है वो लोकेशन 2 पे होती है, एंड सो ऑन। तो लिस्ट के अंदर 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो डेटा को एक्सेस करने के लिए
मैं लिस्ट का नाम लिखूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये लिखूंगा कि मुझे किस किस लोकेशन का डेटा एक्सेस करना है, राइट right? तो अब लास्ट वाला जो प्रिंट एफ है उसको देखिए, उसमें क्या लिखा गया है, परसेंट टेन एस, इसका मतलब पहले 10 स्पेस आ जाएंगे। इसके बाद लिखा गया है रो जीरो, रो जीरो मतलब रो नाम का मेरी लिस्ट है, उसके जीरो मतलब उसका पहला एलिमेंट। तो आपको आप ऊपर देखिए डेटा क्या आएगा, रो के अंदर 1 आएगा, अमित आएगा, 6000 आएगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि 1 की जो पोजीशन है वो 0 है, तो रो 0 का मतलब हम बात कर रहे हैं 1 की। फिर लिखा है कॉमा 20s, परसेंट 20s मतलब वही 20 स्पेस, जैसा हमने ऊपर लिखा था ना ईएमपी नंबर, ईएमपी नेम और सैलरी, उनमें स्पेसेस दिए थे, वही सेम स्पेसेस हम नीचे दे रहे हैं ताकि मेरी टेबल का पूरा फॉर्मेट मुझे दिख जाए कि टेबल की फॉर्म में आउटपुट आए मेरा पूरा, ठीक है। तो उसके साथ मैंने लिखा है रो 1, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं अमित की। फिर लिखा है रो 2, हम बात कर रहे हैं 6000 की। तो इस तरीके से मेरी पहली रो जो है वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद मेरा फोर लूप वापस से चलेगा, वापस से माई रीडर से डेटा उठ के आएगा रो के अंदर। अब देखिए, अब माई रीडर के अंदर से जो डेटा आएगा वो रो सेकंड का आएगा, क्योंकि पहली रो हम प्रिंट कर चुके हैं, अब रो सेकंड का आएगा। सेकंड में क्या है, 2 सुरेश कुमार और 8000। तो ऐसे ही प्रिंट के थ्रू रो 0 के अंदर क्या है 2, रो 1 के अंदर क्या है सुरेश कुमार, रो 2 के अंदर क्या है 8000, वो प्रिंट हो जाएगा। सेम वापस ऊपर जाएगा, अब रो के अंदर आ जाएगा 3 गब्बर और 75000। फिर रो 0 के अंदर क्या है 3, रो 1 के अंदर है गब्बर, रो 2 के अंदर है 75000। तो इस तरीके से मेरा जो आपको आउटपुट अभी दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा इस तरीके से आपको आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये फॉर्मेटिंग जो है ना ये आपके ऊपर है कि आपको ये परसेंट 10s 20s लिखना है नहीं लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। अगर आपको आउटपुट सिर्फ शो करना है तो आप ये सब मत लगाइए, ये परसेंट 10s परसेंट 20s मत लगाइए, आपका आउटपुट तब भी सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी के अंदर वो है कि हम सीएसवी फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, सीएसवी फाइल को हम लोग क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो ये भी मैंने अभी आपको समझाया था कि फाइल क्रिएट करने के कुछ मेथड्स हैं। इसमें पहला मेथड दिया हुआ है कि अगर आपको एमएस एक्सेल के अंदर आपको सीएसवी फाइल बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन करोगे। आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जब मेरी एमएस एक्सेल ओपन होती है तो उसके अंदर 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप क्या करोगे, उनमें से 2 शीट्स को आप डिलीट कर दोगे, ठीक है, 2 शीट्स को आप डिलीट कर दोगे। अगर आपको नहीं पता है कि 3 शीट होती हैं तो अपने कंप्यूटर पे खोल के देख लेना कि बाय डिफॉल्ट जब हम एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो उसमें 3 शीट्स आती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। उसमें से 2 शीट, शीट 2 और शीट 3 को डिलीट कर देना, सिर्फ शीट 1 को छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद आप जो भी आपको डेटा टाइप करना है वो आप टाइप करना अलग अलग सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर सेल बने होते हैं तो यहां पे आपको अलग से कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें आप अलग अलग सेल के अंदर डेटा को टाइप कर देना जो आपको डेटा टाइप करना है, तो आपकी एक टेबल बन जाएगी। इसके बाद जब आप फाइल को सेव करोगे तो उसको आप .csv से सेव करना, जैसे demo.csv, ठीक है। तो .csv से फाइल को अपनी को सेव करना, किसी तरीके की वार्निंग आए तो उस पे यस पे क्लिक कर देना, उस पे यस, ठीक है। और जब फाइल को क्लोज करोगे, बंद करोगे अपनी फाइल को, तो आप वहां पे नो का ऑप्शन चूज कर लेना, आपकी सीएसवी फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर सीएसवी फाइल के अंदर तो डेटा कॉमा से सेपरेट होता है, तो आपको बता दूं कि जब एक्सेल से फाइल को क्रिएट कर रहे हो ना सीएसवी फाइल एक्सेल के थ्रू, तो उसके अंदर आपको जो डेटा दिख रहा है ना वो तो टेबल की फॉर्म में आपको शो होता है, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में जो डेटा सेव हो रहा है वो आपकी जो डेटा है वो कॉमा से सेपरेटेड है, वो आपको नहीं दिखेगा। इसलिए बेस्ट होता है एमएस एक्सेल के अंदर ही सीएसवी फाइल को यूज करना, क्यों, क्योंकि आपको डेटा दिखता है टेबल की फॉर्म में, आपको बैकग्राउंड से मतलब ही नहीं होता कोई, ठीक है। तो इस तरीके की फाइल जो आपको दिख रही है एबीसी अलग अलग कॉलम के अंदर, इस तरीके से मेरी जो फाइल है वो स्टोर हो जाएगी और इस तरीके का डेटा आ जाएगा फाइल के अंदर, ठीक है। अब मेरा दूसरा तरीका है कि मुझे सीएसवी फाइल क्रिएट करनी है
नोटपैड के थ्रू। तो जब आप नोटपैड के थ्रू फाइल को सीएसवी फाइल को क्रिएट करोगे तो उसके अंदर जब आप डेटा दोगे तो आपको कॉमास लगाने पड़ेंगे। तो जैसा आपको यहां पे अभी दिख रहा है ना, टॉप राइट पे एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर डेटा बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 1, Amit, 6000। तो ये डेटा आपको इसी तरीके से टाइप करना पड़ेगा टेक्स्ट फाइल के अंदर, कॉमास लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप फाइल को सेव कर देना। अब सेव करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब फाइल का नेम लिखोगे, जैसे आपने फाइल का नेम लिखा demo.txt, demo.csv, तो आप इस नेम को ना डबल कोट्स के अंदर सेव कर देना। डबल कोट्स आपको जरूर लगाने हैं। उसका रीजन ये है कि आप बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आप जो भी नेम लिखते हो ना सेव करते टाइम, तो नोटपैड क्या करता है उस नेम के पीछे बाय डिफॉल्ट टीएक्सटी लगा देता है, .txt। तो आप अगर डबल कोट्स नहीं लगाओगे ना नेम के नेम से पहले और नेम के बाद, तो क्या होगा, आपकी फाइल कुछ इस तरीके से सेव हो जाएगी कि demo.csv तो आपने लिखा था उसके पीछे .txt भी लग जाएगा, तो ऐसे सेव होगी demo.csv.txt। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी फाइल जो है वो .txt के साथ सेव हो। तो आप जो भी फाइल सेव कराओगे उसमें आप ऐसे लिखोगे डबल कोट्स, फिर demo.csv और फिर डबल कोट्स बंद। ये मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है कि अगर मुझे ये काउंट करना है कि मेरी फाइल में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड क्या होता है, जैसे मैं एक स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड क्या होगा कि उसका रोल नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, एज क्या है, ठीक है, फादर नेम क्या है। तो ये पूरा क्या है, ये सारा डेटा पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड है एक स्टूडेंट का। तो ऐसे ही जो हमने एंट्री की हुई थी 1, Amit, 6000, तो ये एक रिकॉर्ड है, फिर 2, Suresh Kumar, 8000, ये अलग रिकॉर्ड है, ठीक है। तो टोटल मेरी फाइल में ऐसे करके 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो प्रोग्राम ये है कि मुझे ये काउंट करना है कि मेरी फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रोग्राम है मेरा, सब कुछ मैंने सेम किया हुआ है जो पिछले प्रोग्राम में था। सिर्फ मैंने चेंज क्या किया है कि मैंने फोर लूप के अंदर एक काउंटर ले लिया है। काउंटर क्या होता है, काउंट करता है कि ये लूप कितनी बार चल रहा है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि लूप उतनी बार ही चलेगा जितनी बार रो के अंदर डेटा आता रहेगा माय रीडर से। और आपको पता है कि माय रीडर की से रो के अंदर जो डेटा है वो पूरा पूरा रिकॉर्ड एक बार में आ रहा है। तो मेरा जो फॉर लूप है ना, वो जो फर्स्ट टाइम चलेगा तो माय रीडर से डेटा उठ के जो आएगा वो होगा 1, Amit और 6000। ये पूरा डेटा उठ के एक बार आएगा रो के पास। फिर दूसरी बार आएगा 2, Suresh Kumar और 8000। फिर तीसरी बार आएगा 3, Gabbar 75000। तो ऐसे 3 रिकॉर्ड से मेरे फाइल के अंदर, तो मेरा फॉर लूप 3 बार ही चलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे ये पता करना है ना कि मेरी फाइल में कितने रिकॉर्ड है। तो मुझे पता है कि जितनी बार मेरा फॉर लूप चलेगा उतने ही रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि जैसे ही मेरा जो डेटा है वो खत्म हो जाएगा तो फॉर लूप आगे चलेगा ही नहीं, राइट। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम था काउंट, और उसको मैंने फॉर लूप से ऊपर ही 0 इनिशियलाइज कर दिया। मैंने लिखा काउंट इक्वल टू 0, काउंट के अंदर 0 डाल दिया। और मैंने क्या किया, फॉर लूप के अंदर लिखा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब काउंट में 1 ऐड हो जाए और वापस से काउंट में सेव हो जाए। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जितनी बार फॉर लूप चलेगा उतनी बार काउंट में 1 प्लस हो जाएगा। तो मेरा फॉर लूप 3 बार चलेगा तो काउंट में क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा फाइनली। जब लास्ट मेरा फॉर लूप से बाहर आऊंगा मैं, तो मेरे काउंट के अंदर 3 होगा, ठीक है। और मैं फाइनली लास्ट में जाके काउंट को प्रिंट कर दूंगा। तो इसी तरीके का आपको आउटपुट दिख रहा होगा। बाकी आउटपुट बिल्कुल सेम है, वही जो हमने पिछले एग्जांपल में किया था। हमने यहां पे सिर्फ क्या किया है कि हमने जो काउंट था उसको प्रिंट कराया है, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा सेम है मेरा। नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम जो इसके अंदर दिया हुआ है कि मुझे एक तो सैलरी का सम निकालना है कि जितने एम्प्लॉयज को सैलरी मिल रही है तो मुझे इनका सम निकालना है कि टोटल सैलरी कितनी मिल रही है एम्प्लॉयज को, ठीक है। जैसे 3 एम्प्लॉय है तो तीनों की सैलरी ऐड कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि टोटल सैलरी कितनी जा रही है एम्प्लॉयज को। तो एक तो मुझे ये निकालना है, दूसरा मुझे ये निकालना है कि
कितने ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी 7000 से ज्यादा है, 7000 से ज्यादा है। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं इस डेटा की बात करूं, डेटा के अंदर जो मेरी सैलरी है वो पहले रिकॉर्ड में कितनी है 6000, दूसरे में कितनी है 8000, तीसरे में कितनी है 75000, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो डेटा जो मेरे लिस्ट में सेव होगा तो जो सैलरी वाला पार्ट है वो किस पोजीशन पे होगा, वो होगा सेकंड पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि पहला डेटा स्टोर होता है जीरो पोजीशन पे, दूसरा होता है वन पे, तीसरा होता है टू पे। तो मेरे पहले रिकॉर्ड के अंदर जो सैलरी वाला पार्ट है वो कहां पे स्टोर होगा, एट पोजीशन टू, ठीक है। और मुझे करना क्या है, मुझे तो ये चेक करना है कि भाई सैलरी जो है ये 7000 से ज्यादा किस किस की है, ठीक है, और मुझे सैलरी का सम भी करना है। तो मैं क्या करूंगा, तो देखो यहां पे सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल लिए, एक काउंट एक सम। काउंट के अंदर भी डाल दिया जीरो, सम के अंदर भी जीरो डाल दिया। वापस से ये प्रोग्राम बिल्कुल सेम है वैसा, सिर्फ कुछ कुछ चेंज किया है, वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बाकी जो सेम है वो डिस्कस नहीं कर रहा मैं आपसे। तो काउंट लिया जीरो, सम लिया जीरो। इसके बाद हमने क्या किया, हमने फोर लूप के अंदर, ठीक है, हमने फोर लूप के अंदर क्या किया कि जब मेरा पहला डेटा आएगा, जैसे पहला रिकॉर्ड जब आएगा जिसका नाम है वन अमित और 6000, तो वो वाला जो डेटा है उसमें से मैंने सैलरी वाला पार्ट निकाल लिया, ठीक है, सैलरी वाला पार्ट निकाल लिया और मैंने इसको सम के अंदर ऐड कर दिया। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सम प्लस इक्वल टू इंट रो टू। आपको पता है ना, मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो सैलरी वाला पार्ट है वो सेकंड पोजीशन पे, तो उसको एक्सेस करने के लिए पहले लिस्ट का नाम जो कि रो है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टू। इसको इंट में मैंने इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट फाइल के अंदर जो भी डेटा होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, वो नॉर्मल स्ट्रिंग होता है। तो हम वैसे भी जब डेटा इनपुट लेते थे तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते थे, तो मैंने इसको इसलिए इंटीजर में पहले कन्वर्ट किया है और फिर सम के साथ उसको ऐड कर दिया है, क्योंकि सम जीरो है पहले से, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस 6000, तो सम के अंदर आ जाएगा 6000। फिर नीचे मैंने चेक करा लिया है क्योंकि हमें यह भी चेक करना है ना कि कितने एम्प्लॉयज की सैलरी 7000 से ज्यादा है। तो मैं सैलरी को उठाऊंगा, कंपेयर करूंगा कि वो 7000 से ज्यादा है या नहीं है। अगर ज्यादा है तो जो मेरा काउंट वाला वेरिएबल है उसमें प्लस वन कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, चेक किया कि रो टू अगेन सैलरी मुझे मैच करनी है, तो रो टू का, रो टू के थ्रू ही मैं सैलरी को एक्सेस कर सकता हूं। मैंने लिखा रो टू ग्रेटर देन सेवन, अच्छा इसमें 70000 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 7000 हो 70000 हो, जो भी आपको कंपेयर करना है वो यहां लिख लेना। तो मैंने लिखा 70000, तो अगर सैलरी 70000 से ज्यादा होगी तो काउंट में प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, काउंट प्लस इक्वल टू वन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, ठीक है। तो जो आपको जैसे समझ में आए वैसे। तो मेरा क्या होगा, पहली सैलरी क्या थी मेरी 6000, ठीक है, तो कंपेयर होगा 6000 ग्रेटर देन 70000, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो काउंट के अंदर प्लस वन नहीं होगा। वापस से ऊपर जाएगा, फोर लूप चलेगा, फिर मेरा अगले वाला जो रिकॉर्ड है वो आ जाएगा जो है टू सुरेश और 8000। उसमें से क्या करूंगा, मैं उसमें से 8000 को एक्सेस करूंगा क्योंकि रो टू 8000 को एक्सेस करेगी। इस बार मैं क्या करूंगा, उसको सम के अंदर ऐड कर दूंगा। तो सम के अंदर पहले जीरो था लेकिन बाद में क्या आ गया था 6000, तो अब क्या होगा 6000 प्लस 8000 दैट इज कितना हो जाएगा 14000। और फिर वो नीचे जाएगा, वो चेक करेगा इफ रो टू ग्रेटर देन 70000, तो रो टू के अंदर क्या है 8000, तो 8000 ग्रेटर देन 70000 ये फॉल्स हो जाएगा, वापस से काउंट के अंदर प्लस वन नहीं होगा। फिर से फोर लूप चलेगा, फिर थर्ड रिकॉर्ड आ जाएगा जो है 3 गब्बर और 75000, फिर 75000 जो है वो ऐड हो जाएगा सम के अंदर, सम के अंदर क्या है 14000 है, तो 14000 प्लस 75000 ये हो जाएगा 89000। फिर नीचे आएगा, फिर वो चेक करेगा रो टू, रो टू के अंदर क्या है 75000, तो 75000 ग्रेटर देन 70000, यस ट्रू, तो काउंट में जाएगा प्लस वन। तो फाइनल मेरा जो आउटपुट आएगा
वो सम के अंदर तो 89,000 है और काउंट के अंदर क्या है, 1। यही चीज जो है ये मैंने प्रिंट की है, आपको दिख रहा होगा सबसे लास्ट वाला जो मेरा आउटपुट है ना, इसी पेज पे सबसे लास्ट में आप देखिए लिखा हुआ ना, सम ऑफ सैलरी इज 89,000, एम्प्लॉई गेटिंग सैलरी ग्रेटर देन 70,000 जो है मेरा 1। ठीक है, तो बड़े इजी से प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। फाइल के अंदर हम डेटा राइट कैसे कर सकते हैं सीएसवी फाइल के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर भी वही सारे स्टेप्स हैं जो हमारी बाइनरी फाइल या हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर थे, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सीएसवी मॉड्यूल जो है उसको हम इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद हम फाइल को ओपन करेंगे ओपन फंक्शन के थ्रू, और किस मोड में ओपन करेंगे हम, या तो राइट मोड या अपेंड मोड में उसको ओपन करेंगे, राइट। तो आपको पता है कि राइट मोड के अंदर मैं फाइल को जब ओपन करूंगा तो अगर मेरी फाइल प्रेजेंट नहीं होगी जो फाइल मैं ओपन कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी और हम उसके अंदर जो भी चीज राइट करेंगे वो राइट हो जाएगी। इन केस मेरी फाइल पहले से मौजूद है जिसके अंदर मुझे ये डेटा राइट करना है, तो क्या होगा, मेरा सारा पुराना डेटा उड़ जाएगा और सिर्फ नया डेटा जो मैं राइट करूंगा सिर्फ वही फाइल के अंदर राइट होगा। अपेंड मोड में आपको पता है कि जो डेटा पहले से पड़ा हुआ है तो नया डेटा उसके बाद राइट होना शुरू होगा। तो ये वही मोड्स हैं जो हमारी बाइनरी फाइल या टेक्स्ट फाइल के अंदर हमने यूज किए थे, तो सीएसवी फाइल के अंदर भी सेम मोड्स हमारे वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जब फाइनली फाइल के अंदर डेटा जब राइट करेंगे तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे राइट रो। राइट रो ये क्या करेगा, ये रो वाइज हमारा डेटा जो है वो सीएसवी फाइल के अंदर राइट कर देगा। तो वो कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे एग्जांपल के अंदर। ओके, तो हमारा डेटा वाइज सेम है, थ्री रोज है हमारी, या यू कहिए थ्री रिकॉर्ड्स हैं, 1, Amit, 6,000 और 2, Suresh Kumar, 8,000 एंड 3, Gabbar, 75,000। तो ये मेरा डेटा है थ्री रोज के थ्रू। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सीएसवी नाम की जो फाइल है मेरी उसको मैं इंपोर्ट करूंगा अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट स्पेस सीएसवी, राइट। तो सीएसवी के जितने फंक्शंस हैं अब मैं उसको यूज कर सकता हूं। इसके बाद मैंने यूज किया विद ओपन। अगेन मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको विद यूज करना है या नहीं करना है, इट टोटली अप टू यू। तो विद अगर आप यूज करोगे तो आपको फाइल खुद से क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे आपका प्रोग्राम फिनिश होगा फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इस लाइन के थ्रू मेरी फाइल myfile.csv अपेंड मोड में ओपन होगी और वो सीएसवी फाइल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा उसका पॉइंटर, फाइल के स्टार्टिंग का पॉइंटर सीएसवी फाइल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट। इसके बाद क्या होगा कि लिखा हुआ है माई राइटर इक्वल टू सीएसवी डॉट राइटर। तो माई राइटर क्या है, हमारा एक वेरिएबल है, सीएसवी हमारी वो फाइल है जिसके फंक्शन हम यूज करने वाले हैं। तो सीएसवी डॉट राइटर ये हमारी हेल्प करता है फाइल के अंदर डेटा राइट करने में। इसके हमारे बेसिकली दो इनपुट होते हैं, एक है सीएसवी फाइल, एक है कॉमा डिलिमिटर। तो सीएसवी फाइल वो पॉइंटर है जो हमें बताएगा कि हमारी फाइल जो है वो कहां से राइट होने शुरू होगी, ठीक है। तो जब हमने फाइल ओपन किया था तो स्टार्टिंग का जो पॉइंटर है वो हमने सीएसवी फाइल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया था, ठीक है। तो पहला इनपुट देंगे हम वो वेरिएबल जिसके अंदर पॉइंटर है जिसका नाम है सीएसवी फाइल, फिर लगाया कॉमा डिलिमिटर, वो दिया है हमने कॉमा कि हमारा जो डेटा है वो कॉमास के थ्रू सेपरेट होगा, कि दो डेटा के बीच में हमारा कॉमा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया है ans जो हम आंसर के लिए है। फॉर एग्जांपल मुझे एक से ज्यादा रिकॉर्ड अगर स्टोर कराने हैं, क्योंकि नीचे आपको वाइल लूप दिख रहा है, तो वाइल लूप कितनी बार चलेगा, जितनी बार चलेगा उतने रिकॉर्ड स्टोर होंगे। तो मैं यूजर से पूछता रहूंगा बार बार कि आपको नया रिकॉर्ड स्टोर करना है, वो वाई प्रेस करता रहेगा, इट मींस यस, तो मेरा वाइल लूप वापस से चल जाएगा। तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल लिया है ans, उसके अंदर मैंने वाई स्टोर जो है वो कर लिया है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले मेरा वाइल लूप रन होगा, तो मैंने लिखा है ans डॉट लोअर। अब एक चीज देखिए कि जब मेरा जो यूजर है वो इनपुट देगा कि उसको नया रिकॉर्ड स्टोर करना है या नहीं करना है, तो वो स्मॉल केस भी हो सकता है और अपर केस भी हो सकता है, मतलब वो स्मॉल वाई भी इनपुट में दे सकता है, कैपिटल वाई भी दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज इंश्योर करने के लिए
कि जो मैंने लिखा है कि इक्वल टू स्मॉल वाई, जब मैं स्मॉल वाई से उसको कंपेयर करा रहा हूं तो वो जब कैपिटल वाई अगर होगा तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो y चाहे वो स्मॉल लिखे चाहे कैपिटल लिखे, तो मेरा ये ट्रू होना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जो भी यूजर आंसर देगा वो चाहे स्मॉल y हो चाहे कैपिटल y हो, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर लिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। तो मैंने लिखा है ans.lower, तो जो भी वो आंसर देगा वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कंपेयर होगा स्मॉल y के साथ। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने तीन वेरिएबल लिए हैं, ई नंबर, नेम और सैलरी। ठीक है, इसके इन तीन वेरिएबल्स में मैंने यूजर से इनपुट लिया है। ठीक है, तो ई नंबर मेरा इंटीजर टाइप का होगा, आपको पता है कि पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो भी यूजर इनपुट देगा वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो जो नंबर है उसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इनपुट वाला जो फंक्शन है उसको इंट नाम के जो मेरा फंक्शन है उसके अंदर डाल दिया है। तो क्या होगा, यूजर जो भी इनपुट देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होके मेरा ई नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद मैंने लिया है नेम नाम का वेरिएबल, अगेन नेम मेरा पहले खुद ही टेक्स्ट होता है, खुद ही स्ट्रिंग होता है, तो इसको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको इसके सामने इंट नहीं लिखा है। थर्ड है मेरा सैलरी, इसके सामने भी इंट लिखा है क्योंकि इंटीजर टाइप की होती सैलरी। इसके बाद मैंने क्या किया है कि मेरे तीनों इनपुट को मुझे राइट करना है फाइल के अंदर, सीएसवी फाइल के अंदर। तो आप देखिए कि जो इंफॉर्मेशन थी कि आपकी फाइल का पॉइंटर कहां पे है और दो डेटास के बीच में सेपरेशन के लिए हम कॉमा यूज कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर की थी माई राइटर के अंदर, माई राइटर नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने ये इंफॉर्मेशन स्टोर की थी। तो मैंने लिखा है माई राइटर डॉट राइट रो, इससे पिछली स्लाइड में मैंने बताया था आपको कि राइट रो यूज होता है सीएसवी फाइल के अंदर डेटा राइट करने के लिए। तो मैंने लिखा है माई राइटर डॉट राइट रो। इसके बाद जितना भी डेटा आपको राइट करना है वो आप लिस्ट के थ्रू इसमें राइट कर दो। तो मैंने एक लिस्ट बना दी है और उसके अंदर थ्री एंट्रीज डाल दी है, ई नंबर, कॉमा नेम, कॉमा सैलरी। तो ये तीनों डेटा सीएसवी फाइल के अंदर राइट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया कि डेटा सक्सेसफुली सेव्ड। तो ये क्या है, मेरा एक्नॉलेजमेंट है बताने के लिए कि जो डेटा यूजर ने एंट्री की है वो मेरा स्टोर हो गया है। राइट, इसके बाद मैंने यूजर से एक इनपुट लिया है कि एड मोर, कि आप नया डेटा इंसर्ट कराना चाहते हो, तो वो जो भी इनपुट देगा कैपिटल वाई या स्मॉल वाई वो मेरा स्टोर हो जाएगा ans के अंदर, और वापस से वाइल लूप चलेगा, वापस से कंपेयर होगा। अगर यूजर ने y दिया है तो मेरा ये जो वाइल लूप है ये वापस से रन होगा, यूजर ने y के अलावा जो भी दिया है तो मेरा वाइल लूप जो है यहीं पे एंड हो जाएगा। ओके, तो ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का कि ये जो प्रोग्राम जब रन हुआ तो सबसे पहले उसने पूछा एंटर एम्प्लॉई नेम, तो ये ब्लू में जो आपको दिख रहा है सबसे नीचे, ये प्रोग्राम ऐसे रन होगा। उसने पूछा एम्प्लॉई नेम, पहले 4 एंटर किया, फिर उसने पूछा, पहले एम्प्लॉई नंबर पूछा उसने, वो 4 एंटर किया, फिर एम्प्लॉई नेम पूछा, अमन एंटर किया, एम्प्लॉई की सैलरी पूछी, वो 80,000 एंटर की, फिर डेटा सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। उसने पूछा एड मोर, इनपुट दिया वाई, मतलब यस, तो ये वाइल लूप वापस से रन हुआ। फिर मैंने एम्प्लॉई नंबर दिया 5, नेम दिया जैकी और सैलरी दी 60,000। उसने फिर पूछा एड मोर, तो इसमें एन दे दिया, तो मेरा वाइल लूप यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए मैंने ये जो फाइल है आपको दिख रहा होगा इसमें मोड लिखा हुआ है ए, इस प्रोग्राम के अंदर मोड लिखा है ए, मतलब अपेंड मोड। तो मेरा जो पहले से डेटा था फाइल के अंदर जो था 1 अमित 6,000, 2 सुरेश 8,000, 3 गब्बर 75,000, ये डेटा पहले से पड़ा हुआ था। तो रन होने के बाद मैंने दो रिकॉर्ड और स्टोर किए, तो देखिए वो दोनों रिकॉर्ड जो कि है 4 अमन 80,000, 5 जैकी 60,000, ये मेरे पहले का जो डेटा पड़ा हुआ था उसके नीचे से स्टोर होना शुरू हुआ है। तो इसी तरीके से अपेंड मोड में मेरा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये मेरा लास्ट जो इस आज के टॉपिक का मेरा लास्ट प्रोग्राम है ये, इसके अंदर हम लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं। ठीक है, सर्चिंग ऑपरेशन लगाया है इसके अंदर। राइट, इसमें हमने क्या किया है कि हमारा प्रोग्राम वही सेम है जो पुराने वाला प्रोग्राम था, जिसके अंदर हम लोग जो यूजर का डेटा है वो हम लोग स्टोर कर रहे थे।
ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने एक सीएसवी फाइल ली है, उसके अंदर एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी जो है वो स्टोर किया है, और फिर मैंने एम्प्लॉय नंबर को सर्च किया है और उस एम्प्लॉय का नेम और सैलरी डिस्प्ले कराई है। तो एम्प्लॉय नंबर के थ्रू मैं एम्प्लॉय का डेटा जो है वो सर्च करूंगा और उसकी सैलरी और नेम जो है वो मैं डिस्प्ले कराऊंगा। तो लेफ्ट साइड में जो प्रोग्राम बना हुआ है वो बिल्कुल सेम है, वैसा ही है जो हमने अभी फाइल के अंदर एंट्री करने के लिए यूज किया था। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने अब देखिए राइट साइड वाला जो प्रोग्राम है वो देखो आप, मैंने क्या किया है कि मैंने माई फाइल डॉट सी एस वी इस फाइल को रीड मोड में ओपन किया है। इसके बाद मैंने लिखा है माई रीडर इक्वल टू सी एस वी डॉट रीडर। तो फाइल को रीड करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था। तो क्या होगा, मेरी फाइल रीड मोड में ओपन होगी और उसका पॉइंटर जो है वो माई रीडर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर वाइल ए एन एस इक्वल टू वाई, तो जब तक यूजर वाई प्रेस करता रहेगा तब तक मेरा ये वाइल लूप चलता रहेगा। अब क्या होगा कि यूजर ने मान लो पहला एम्प्लॉय नंबर जो है वो टाइप किया, मैंने सर्च किया कि ये एम्प्लॉय प्रेजेंट है या नहीं है, फिर मैं यूजर से वापस से पूछूंगा कि उसको नया एम्प्लॉय सर्च करना है। तो इस तरीके से जब तक वो वाई प्रेस करता रहेगा मेरा वाइल लूप जो है वो रन करता रहेगा। तो मैंने लिखा है, मैंने एक वेरिएबल और लिया है जिसका नाम है फाउंड, और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट मैंने फॉल्स जो है वो स्टोर कर लिया है बाय डिफॉल्ट। अब मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया है कि भाई उसको कौन सा एम्प्लॉय नंबर सर्च करना है, और उसको मैंने स्टोर कर लिया है ई के अंदर, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर में इनपुट में मांग रहा हूं, तो इसलिए मैंने उसके इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है पहले, और फिर मैंने उसको ई के अंदर स्टोर कर लिया है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फोर लूप लगाया है और मैंने फाइल के एक एक रिकॉर्ड को अब मैं जो है वो सर्च करूंगा। तो मैंने लिखा है फोर रो इन माई रीडर, ये वही स्टेटमेंट है जो पिछले प्रोग्राम में हमने यूज किया था फाइल के डेटा को रीड करने के लिए। इससे क्या होगा, मेरी फाइल का एक एक रिकॉर्ड उठ के रो के अंदर आता रहेगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि एम्प्लॉय नंबर जो है वो मेरा पहली पोजिशन पे है, लिस्ट की पहली पोजिशन पे है, और पहली जो पोजिशन है उसको हम क्या बोलते हैं, वो होती है जीरो। किसी भी लिस्ट की पहली जो पोजीशन होती है वो होती है जीरो, दूसरी होती है वन, तीसरी होती है टू, ये हमने अभी डिस्कस किया था। तो हमने बेसिकली फोकस जो रखना है वो पोजीशन जीरो पे रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने चेक किया इफ रो, रो के अंदर क्या है, रो के अंदर पूरा रिकॉर्ड है, तो इफ रो नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है कि रो के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो फोर लूप के अंदर नहीं जाएगा। अगर रो के अंदर एलिमेंट्स हैं तो नॉट इक्वल टू जीरो जो है वो ट्रू हो जाएगा, तो वो इफ लूप के अंदर आ जाएगा। फिर वो पूछ रहा है इफ रो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जीरो इक्वल टू ई, आपको याद है ई के अंदर हमने एम्प्लॉय नंबर लिया था जो मुझे सर्च करना था, तो मैंने पहला रिकॉर्ड उठाया। ठीक है, उसका जीरो वाला मतलब उसका पहले वाली जो पोजीशन पे, पहले वाली जो पोजीशन है उस पे हमारा एम्प्लॉय नंबर ही है, तो मैंने डेटा के एम्प्लॉय नंबर को मैच किया है इक्वल टू जो यूजर ने एम्प्लॉय नंबर दिया है। अगर दोनों मैच हो गए इट मींस कि मेरा नेम, इट मींस जो मेरा डेटा था वो फाउंड हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने रो वन और रो टू प्रिंट कर दिया, मतलब जो डेटा मेरा सेकंड पोजीशन पे है और थर्ड पोजीशन पे है उसको प्रिंट कर दूंगा। सेकंड पोजीशन में मेरा नेम है, थर्ड पोजीशन में मेरी सैलरी है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा अगर मैच हो जाएगा एम्प्लॉय नंबर तो मेरा जो यूजर है वो फाउंड हो जाएगा और उसकी सैलरी और नेम मैं प्रिंट कर दूंगा। अगर फाउंड नहीं होगा तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा एम्प्लॉय नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट है, जब मैंने इसको रन किया था तो ये इसका आउटपुट आया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सीएसवी फाइल के ऊपर ऑपरेशंस कैसे होते हैं, रीड ऑपरेशन हो, राइट ऑपरेशन हो, ठीक है, या फिर हमने कुछ और भी प्रोग्राम्स देखे थे कि सर्चिंग कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है, या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे काउंट कर सकते हैं, तो ये सारे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।